আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ। ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা ফী কালামিহিল মাজীদ ওয়ালা ইয়াগতাব বা'দুকুম বা'দা আইয়ুহিব্বু আহাদুকুম আন ইয়াকুলা লাহমা আখীহি মাইতান ফাকারিহতুমু। রমাদানুল মুবারক কা মহিনা बड़ी सआदत का महीना है, नेकियों का मौसम बहार है, सीज़न है। दीगर इबादात की तरह इस महीने में जो इबादात की जाती हैं उनमें से एक अहम तरीन इबादत रोज़ा है। रोज़ा अपनी दीगर इबादात की तरह इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें पैदा करता है, उनमें से एक अखलाकी तरबियत है। अखलाकी तरबियत इंसान की मंजिलत को आसान कर देती है और तरक्की और उरूज उसे हासिल होता है। अखलाकी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि ये इबादत के अंदर जो एक अल्लाह ताला ने मकसद रखा है कि इंसान अपनी इस्लाह करे, अपने अखलाक को खूबसूरत बनाए और अपनी ज़बान की हिफाजत करे, तो यह रमज़ानुल मुबारक का महीना इंसान की ज़बान की हिफाजत का एक बेहतरीन महीना है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम का फरमान है, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिह फ़लैसा लिल्लाहि हाजा। जिस शख्स ने कौल ज़ूर और अमल ज़ूर से इज्तनाब नहीं किया, अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौल ज़ूर से मुराद इंसान की ज़बान से की जाने वाली सारी बुराइयाँ हैं, उनमें से सर फहरिस्त एक बीमारी जो मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम है और कबीरा गुनाह है, वह है ग़ीबत। ग़ीबत इंसान की ज़ात पर एक खुफिया हमला है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके पैगम्बर ने हराम करार दिया है और इसे कबीर जुर्म करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वला यक्तब बादुकुम बादा, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो मुर्दा गोश्त खाए? फकरिहतुमू, यकीनन तुम इसे नापसंद करोगे। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से पूछा, तुम्हें गीबत मालूम है क्या है? अतदरूना मिल गीबा? सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानता है कि गीबत क्या चीज़ है। तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के बारे में ऐसा इधारे ख्याल करना जिसे वो नापसंद समझता हो, जिसे वो पसंद नहीं करता। तो फिर सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो चीज़ हमारे भाई के अंदर मौजूद हो जो हम कह रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने भाई के बारे में कह रहे हो उसकी अदम मौजूदगी में, अगरचे वो चीज़ उसके अंदर मौजूद है, अगर वो चीज़ मौजूद है तो ये गीबत है, अगर वो चीज़ मौजूद नहीं जो तुम कह रहे हो उसकी अदम मौजूदगी में, तो ये तुम्हारा उस पर बहुतान है। ये सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। इस हदीस में गीबत की मजम्मत भी मौजूद है, गीबत की तारीफ भी मौजूद है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर गीबत की मजम्मत और इसकी कबाहत को बयान किया है। एक हदीस में प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स ने इस दुनिया के अंदर अपने भाई की गीबत की, उसका गोश्त खाया, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत पर हमला किया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान से कहेगा कि तुम आज इस दुनिया के अंदर तुम अपने भाई का हालत हयात में, ज़िंदगी में तुम उसका गोश्त खा कर आए थे, आज तुम्हें मुर्दा हालत में गोश्त खाना है। वो गोश्त खाएगा और उसकी शक्ल जो है बदसूरत हो जाएगी। ये फतुल बारी के अंदर हसन दर्जे की हदीस है। एक हदीस में प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौके पर ऐसे लोगों को देखा जो तांबे के नाखून के साथ अपने चेहरे को नोच रहे थे और अपने सीने को नोच रहे थे। फरमाया, ये वो लोग हैं जो अपने भाई के गोश्त को खाया करते थे और इनकी इज्जतों पर हमला किया करते थे, गीबत किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की एक आयत में यह भी बयान फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, तबाही है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो ऐब जोई करते हैं और गीबत करते हैं। तो गीबत इंसान की ज़बान से की जाने वाली खुराफात और बुराइयों में से एक अहम तरीन और बहुत बड़ी खराबी है, और इससे बचना इंसान के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक हमारी तरबियत करता है, इबादत हमारी तरबियत करते हैं, और इस तरबियत में यह भी ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़बान की हिफाजत करे, और ज़बान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़बान के अंदर इस ज़बान से अदा की जाने वाली बातें और अक़वाल सारी की सारी वो हों जो शरीयत के मुताबिक हों, खिलाफ शरीयत उमूर से इज्तनाब करें। उनमें से अहम तरीन बात जो गीबत है, जो मुआशरे में अहम तरीन जो खुराफात और बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली खुराफात, उनमें से एक खराबी है। गीबत से बचना ज़रूरी है, वगरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी
جو عبادات ہیں، جو محنتیں ہیں جو ہم رمضان المبارک میں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ختم کر دے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی جو کبھی حرکت ہے، کبھی فیل ہے، کبھی قول ہے، کسی کی عزت پر خفیہ حملہ کر دینا، جو انسان اس حرکت کا ارتکاب کرتا ہے رب العالمین اس کی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو اس رمضان المبارک کی سعادت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔